वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 11.3 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके हो सकता है, मतलब उसकी नेक्स्ट टाइप किस तरीके से कि इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखो, कब, जब तीन पॉइंट हो। मतलब एक कंसेप्ट ये भी सीखा था हमने कि इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी कब, जब पासिंग थ्रू तीन पॉइंट, मतलब तीन पॉइंट गिवन होते थे तो वहां पर इक्वेशन ऑफ प्लेन। सबसे पहले आसान तरीका क्या है, किसी भी कॉन्सेप्ट को आसान बनाने का तरीका, ज्योमेट्री समझ लो, अपने आप हर चीज समझ में आ जाएगी कि इस तरीके से कि तीन पॉइंट जिसके नाम हम ए बी सी लेके चले थे कहीं पर भी हो प्लेन पर होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इस तरीके से मान लो जैसे यहां पर तीन पॉइंट अपनी तरफ से, सही है, प्लेन पर कहीं पर भी है। और इक्वेशन वर्ड का मतलब इक्वल टू का साइन नजर आए, कम से कम एक वेरिएबल नजर आना चाहिए, सही है ना। मतलब पी पॉइंट होगा ना, सीधी सी बात है, वेरिएबल पी पॉइंट से आएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ओरिजिन दूर होगा, सही है ना, प्लेन से, ये बार बार बात होगी क्योंकि एक्स वाई जेड प्लेन, मतलब पॉइंट एक्स वाई जेड, मतलब तीन डिस्टेंस मिल रहे हैं इस वजह से, सही बात है। तो बस यहां पर ओरिजिन दूर होगा तो इसका नाम हर वेक्टर के लिए, जैसे वेक्टर तो दो पॉइंटों के बीच में होगा तो बी के लिए बी वेक्टर मानना था, मतलब ओ से बी तक का, ठीक है ना। ए पॉइंट के लिए ए वेक्टर मानना था, जो मतलब इनके नाम इस तरीके से, सी के लिए सी वेक्टर मानना था, और जनरल पॉइंट के केस में क्या हो जाता है, आर वेक्टर, मतलब इस तरीके से इसका नाम आर वेक्टर, सीधी सी बात है, सही है। तो यहां पर वही इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए तो सबसे आसान तरीका तो ट्रिक है, सही है ना। पहला स्टेप क्या था कि एक लाइन प्लेन पर हो, एक लाइन या फिर वेक्टर को प्लेन पर हो, सही है, तो देख लो। लेकिन अब कंडीशन समझ में आएगी कि आर वेक्टर यूज हो, एक बार यूज हो, सही बात है, आर वेक्टर यूज हो, एक बार यूज हो, तो आर वेक्टर यूज भी तो ना। अब एक बात बताओ, प्लेन पर ये ओ से ओरिजिन, ये लाइन तो कोई काम की है नहीं क्योंकि ओरिजिन दूर है, सही है। तो मतलब अब लाइन तो एक तो ये ए से बी बना सकते हो, सही है, ये लाइन बना सकते हो, ठीक है, ये लाइन बना सकते हो, लेकिन ये कोई भी काम की नहीं है, ये बात पता होनी चाहिए यहां पर, ठीक है ना। क्यों, दो मतलब ये सारे पॉइंट गिवन है, इनसे जो लाइन बनेगी कोई काम की नहीं क्योंकि इक्वेशन वर्ड की वजह से, या फिर कह दो आर वेक्टर यूज होना चाहिए, इक्वेशन वर्ड की वजह से यूज होना चाहिए ना। अब किसी चीज में वेरिएबल ही नजर नहीं आए तो वो इक्वेशन थोड़ी ना, समझने के हिसाब से, जैसे ये दो चीज बराबर है तो ये तो ट्रू रिजल्ट है, ये इक्वेशन थोड़ी ना, इक्वेशन यहां से डिफाइन होती है, ये बात पता होनी चाहिए। तो मतलब इसलिए ये लाइन काम की होगी, सही है, ये कोई जरूरी नहीं, हमें एक लाइन चाहिए प्लेन पर जिसमें आर वेक्टर यूज हो, इस चीज का मतलब यहां पर शुरू में ही तीन ऑप्शन हो जाते हैं, शुरू में ही तीन, जैसे इस अगर इस प्लेन का इसके हिसाब से फॉर्मूला लिखें, वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आया था, जैसे समझने के हिसाब से कि आर माइनस ए कुछ इस तरीके से, उसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, उसकी डॉट प्रोडक्ट का इस तरीके से रिजल्ट था बी माइनस ए, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट सी माइनस ए जीरो के बराबर, और ये चीज आई कैसे थी, अब जरूरी थोड़ी ना अब ये फॉर्मूला याद हो, कोई बात नहीं। तो उस केस में एक तो ऑप्शन यही हो गया, तीन ऑप्शन है, पी से ए वाली लाइन यूज कर सकते हो, पी से बी वाली, या फिर पी से सी वाली, इस तरीके से, सही बात, तीन ऑप्शन हो गए यहीं पर, ठीक है ना। हम नॉर्मली ये जो पहला है उसके हिसाब से लिखते हैं। अब एक और बात, यहां पर थोड़ी पता हमें कौन सा ए वेक्टर है, कोई भी अपनी अपनी चॉइस है, कोई भी यूज करो, ये कोई कंपलसरी नहीं होता कहीं पर भी, ठीक है ना। तो एक चॉइस यहीं पर बन गई, और नॉर्मली हम आर माइनस ए लिख के चलते हैं, मतलब आर में से ए को माइनस करना, मतलब ए से आर की तरफ गई, मतलब ए से पी की तरफ, ठीक है ना, ये कोई कंपलसरी नहीं, ये मतलब ये डायरेक्शन वाली बात आएगी वो जीरो में एडजस्ट हो जाएगी, सही है, इसके बाद, ठीक है ना। अब यहां पर ये बात समझ में आ गई, जैसे पहली ट्रिक थी एक लाइन प्लेन पर हो, बन गई तीन ऑप्शन। सेकंड ट्रिक क्या बताई थी, मतलब सेकंड स्टेप ट्रिक के अंदर सेकंड स्टेप क्या था कि एक लाइन या फिर कोई वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर हो, सही है। तो पहली बात तो जो ये लिखा ना, ये चीज, इसका नाम है ए बी वेक्टर, सही है, बी में से को ए बी वेक्टर का क्या मतलब बताया था, आसानी, आसान मतलब कि ए से चले बी तक, जहां पर पहुंचे उसमें से माइनस कर दो, मतलब बी माइनस ए, लेकिन बी माइनस ए नहीं, ओ बी माइनस ए, इसका मतलब जैसे बी माइनस ए, लेकिन वेक्टर तो तब बनेगा ना, सही है। अब लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है तो ये राइट हैंड साइड भी वेक्टर होना चाहिए ना, सही बात है। तो ओ बी, ओ से बी का बी वेक्टर नाम रख रहे हैं, सही है, तो दो बी माइनस ए, सही है। तो इस तरीके से, और ये था ए सी, ये था ए सी वेक्टर, और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट,
इस तरीके से ये चीज यूज हुई थी यहां पर। इस चीज का मतलब क्या है, ये हमें ये नजर आना चाहिए, मतलब जिसका नाम हम एन वेक्टर लेके चलते हैं। क्यों, अब यहां पर सिर्फ प्लेन के तीन पॉइंट दिए हुए, मतलब परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशो आएंगे नहीं, सही है। लेकिन लेकिन जब वेक्टर प्रोडक्ट सीखते हैं हम वेक्टर चैप्टर के अंदर, जिसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सही है। जैसे ए क्रॉस बी, हम यहां पर फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, उस चीज का मतलब पता होना चाहिए ए क्रॉस बी का। जैसे कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, सही है। ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए से बी की तरफ जाना, जो पहले लिखा उससे दूसरे की तरफ जाना, ठीक है, इस तरीके से। और जो इसकी मेन काम है इसकी डायरेक्शन, यहां पर ये चीज किसके काम आती है, डायरेक्शन रेशो के। और डायरेक्शन रेशो मतलब अपनी एक्सिस पर एक वेक्टर से हिसाब से बात करोगे तो एक ही डायरेक्शन होगी, सही है। एक्चुअल में डायरेक्शन और डायरेक्शन रेशो एक ही है, लेकिन डायरेक्शन रेशो में अपनी अपनी एक्सिस पर बात चली जाती है इस वजह से, ठीक है ना। तो डायरेक्शन, ठीक है ना। अब इसकी डायरेक्शन किस तरीके डिफाइन होती है, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की, ये बातें पता होनी चाहिए, बेसिक है, ठीक है ना। राइट हैंड थम रूल से इस चीज का मतलब क्या है, ए से बी की तरफ जाना, फिंगर्स को इसी तरीके से रोटेट कर दो, इस तरीके से ए से बी की तरफ जाना, सही है। और ये जो थंब है, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा उसकी डायरेक्शन, जैसे प्लेन के परपेंडिकुलर, सही है। जैसे दो वेक्टर प्लेन पर है, यहां पर ये बात पता होनी चाहिए, और जो इसके परपेंडिकुलर है उससे हमें डायरेक्शन मिलती है, सही है। और एक ओम मान लो बी क्रॉस ए का मतलब जो पहले लिखा उससे दूसरे की तरफ, इस तरीके से, सही है। तो इसकी डायरेक्शन बी से ए की तरफ, तो की बार इस तरीके से फोल्ड होंगी फिंगर, सही है। तो ये डायरेक्शन इस तरीके, मतलब प्लेन के नीचे, मतलब बात वही है परपेंडिकुलर वाली, और इसी मतलब डायरेक्शन अपोजिट हुई ना, एक तो ए से बी जाना, एक बी से ए, इन दोनों का रिजल्ट बराबर होता, लेकिन किसी एक साइड माइनस साइन, ये अपोजिट डायरेक्शन की वजह से आ जाएगा। एक तो ए से बी जाना, एक बी से ए आना, सही है ना, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से साइन आता है, ये बातें पता हूं, ठीक है। तो मेन काम क्या था, कहने का मतलब कि मतलब वेक्टर, सही है ना। तो कहने का मतलब क्या, दो वेक्टरों से भी हम परपेंडिकुलर वाली कंडीशन निकाल सकते हैं, सही है, दो वेक्टरों से। अब दो, हर वेक्टर के लिए दो पॉइंट होने चाहिए, हर वेक्टर के लिए दो पॉइंट होने चाहिए, वही तो यूज हो रही है यहां पर, देख लो, सही है, ठीक है ना। तो यहां पर कहने का मतलब है, यहां पर और भी केस डिस्कस कर सकते हो। नॉर्मली हम इसकी बात करते हैं कि मतलब, कहने का मतलब क्या, जैसे बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी यूज कर लिया। अब एक तो ये बात की मतलब ए सी ए बी क्रॉस ए सी, या फिर बी ए भी लिख सकते हो, वो माइनस साइन आएगा, ए बी और बी ए में तो माइनस साइन आएगा, वो जीरो में एडजस्ट कर सकते हो, ये इस तरीके बेसिक बातें, ठीक है ना। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि कोई भी यूज कर सकते हो, वो चॉइस है, कोई भी चीज यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि ए से बी, जैसे ए बी और ए सी, ठीक है ना, इस तरीके कोई भी दो का पैटर्न बना सकते हो, कहने का ये मतलब है यहां पर, ठीक है। और यहां पर इसमें एक और चीज काम की है कि इस पूरी में ये बात कि आर वेक्टर यूज हो, केवल एक बार यूज हो, इस चीज का मतलब कोई जरूरी नहीं है यहां पर यूज हो, ये अंदर भी यूज कर सकते हो। अब ये पी पॉइंट जो आर वेक्टर बना, मतलब पी पॉइंट से, वो पी पॉइंट भी तो यहीं पर है, सही है। तो इस केस में कहीं पर पी पॉइंट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम नॉर्मली करते नहीं, वो एक अलग बात है। हाँ, अगर कहीं एक जगह आर वेक्टर आ गया तो फिर बाहर नहीं आना चाहिए, पूरी इक्वेशन में केवल एक बार यूज हो। क्यों, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन का दूसरा नाम होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, सही है। और लाइन की खास बात, मतलब जितने इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर जितने वेरिएबल होंगे उन सभी की मैक्सिमम पावर प्लस वन होनी चाहिए। ये सारी बातें पहले डिस्कस हो चुकी हैं, चेक भी कर सकते हो 3D ज्योमेट्री के कंसेप्ट से, ठीक है ना। और पॉसिबिलिटी होती है -1, 0 और 1 की, ठीक है, नॉर्मली +1 के हिसाब से कह सकते हो बात, ठीक है ना। लेकिन जब दो जगह आर वेक्टर आ गया ना, मतलब दो जगह XYZ, तो मतलब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो मतलब इस तरीके की टर्म नजर आने लगेंगी, x²y²z², और ये लाइन को नहीं डिफाइन करता, तो इसलिए ये चीज गलत है, इसलिए कह रहे हैं डायरेक्ट की एक बार यूज हो, सही है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना सकते हो, वो चॉइस है। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता हो या फिर बना लो ट्रिक से, वो चॉइस है, सही है ना। फिर ये बात याद रखनी है, फिर आर वेक्टर यूज एक बार यूज हो, तो सॉल्यूशन बस यहीं से स्टार्ट होगा। तीन, अब इसका भी एक वेक्टर फॉर्म की टर्म में था, एक कार्टेशियन फॉर्म की टर्म में फॉर्मूला, वो चॉइस है कौन सा यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो बस अब हम डायरेक्ट लिख दें यहां पर सॉल्यूशन कि जैसे सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख देना, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है, हमें थोड़ी पता कौन सी इक्वेशन, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में या फिर वेक्टर फॉर्म में, वो चॉइस है। तो मतलब सबसे पहले चलो b-a, ठीक है ना,
तो यहां पर ये ए बी सी से वेक्टर मान लोगे, ठीक है ना। ओरिजिन से वेक्टर डिफाइन कर, किसी पॉइंट से वेक्टर लिख सकते हो, जैसे ये वेक्टर है मतलब ओ से ए, सही है। तो मतलब किसी पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका बता तो था, सबके रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई इस तरीके से, ठीक है ना। यहां पर सॉरी माइनस वन है, ठीक है ना, फिर ऐड कर देना, यहां पर प्लस माइनस माइनस रहेगा, तो इस तरीके से तो सारों को डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद ए वेक्टर ये चीजें नजर आने लगेंगी, ठीक है ना। बी माइनस ए तो दो बी, तो चलो बी वेक्टर को डायरेक्ट लिख देते हैं यहां पर, ठीक है ना। 6 4 -5 तो इस तरीके से, सही बात है, ठीक है ना, इस तरीके से। इसी तरीके चलो सी वेक्टर, तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा इस पॉइंट से, तो ये लेट कर लेना ये बी सी पॉइंट है, ठीक है ना, फिर कह सकते हो ये बात, तो इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद अब दो वेक्टरों का डिफरेंस बी माइनस ए, बी माइनस ए तो चोइस ए माइनस बी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहां पर चोइस अलग अलग केस बना सकते हो, कहने का ये मतलब था, इसलिए ये कंसेप्ट डिस्कस किया, ठीक है ना। तो बी माइनस ए, अब तो दो वेक्टरों का डिफरेंस भी तो एक वेक्टर होगा, दो वेक्टरों का डिफरेंस भी तो एक वेक्टर है, सही है। तो बस अब मतलब आई कैप वाले आपस में माइनस होंगे, तो बी माइनस ए करना, तो 6 -1 इस तरीके से, फिर 4 -1 तो प्लस का 3 होगा, और -5 यहां पर माइनस एक फॉर्मूले वाला एक पहले है, तो +1, तो -5 +1 कैलकुलेशन है, इस तरीके से आ जाएगा। फिर सी माइनस ए करोगे, ठीक है ना, तो फिर उसमें सी माइनस ए में तो अब की बार फिर से वही दो वेक्टर डिफरेंस एक वेक्टर आएगा, तो -4 -1 कैलकुलेशन है, -2 -1, ठीक है, और +3 यहां पर फिर से प्लस हो जाएगा, तो +3 +1 कैलकुलेशन, ठीक है। अब दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका, जैसे इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है, दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से, किस तरीके से निकालते हो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम कि दो वेक्टर की प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई इस तरीके से करनी है क्रॉस वाली, जिसका रिजल्ट एक वेक्टर आए, मतलब वेक्टर का मतलब जिसके अंदर आई कैप जे कैप नजर आएंगे, तो इस तरीके से निकालते हो, सही बात है, आई कैप जे कैप के कैप, और फिर उनके कोफिशियंट लिखो, कोफिशियंट 5 3 -4 इस तरीके से। अब ये चॉइस होती है, मतलब रो वाइज लिखो या फिर कॉलम वाइज, ठीक है ना, नॉर्मली हम रो वाइज लेके चलते हैं, तो यहां पर दूसरे के लिख दो कोफिशियंट इस तरीके से, और इनका डिटरमिनेंट निकाल दो। तो ये सारी चीजें चेक कर सकते हो कि डिटरमिनेंट किस तरीके से निकलता है, ठीक है ना, डिटरमिनेंट के चैप्टर से निकाल देख सकते हो ये बात, ठीक है ना, या फिर मतलब एक्सपेंड करना आगे, इस टाइप के पहले न्यूमेरिकल सोल्व हो चुके हैं 11.3 के एग्जाम्पल से, ये बात चेक कर सकते हो वहां पर, ठीक है ना, कि एक्सपेंड करना आगे, बस वैल्यू पुट करनी, कहने का मतलब यहां पर, ठीक है ना, एक ये हमें पूरा रिजल्ट इनका एन वेक्टर नजर आना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। आर माइनस ए आर पी पॉइंट से बन जाएगा, सही है, और दो वेक्टर डिफरेंस, फिर ये लिख देना वैल्यू, ठीक है ना, तो इस तरीके से आगे रिजल्ट निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब क्या मेन है, ये चीज, और उससे भी ये, अगर ये चीज समझ में आ रही है ट्रिक वाली, तो सबसे आसान है, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में हर कंडीशन गिवन होती नहीं, ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट ये पॉइंट वाली बात, इस वजह से, ठीक है ना, इसलिए ट्रिक वाली बात हर न्यूमेरिकल को आसान बना देती है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।